हेलो रुड़की, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आकांक्षा चौहान एंड यू आर वाचिंग नो योर सिटी। हम आपके साथ वापस आ चुके हैं नो योर सिटी को लेकर। अब आप दोबारा हमारे साथ शुरू करेंगे घर बैठे अपना पूरा शहर देखना। यहाँ की हर दुकान से लेकर रुड़की की हर एक गली आपको घर बैठे देखने को मिलेगी। हम वापस आ गए हैं उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ आपके बीच। तो आज हम हैं रुड़की सिविल लाइन के सेक्रेट हार्ट चर्च में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल क्रिसमस है और क्रिसमस को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना फिर से आ चुका है हमारे बीच में। तो क्रिसमस को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं? जैसे हमें मास्क लगाना कंपलसरी हो चुका है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो उसी को लेकर आज हम चर्च के फादर से बात करेंगे कि कल की तैयारियां कैसी हैं, प्रेयर्स का टाइम क्या है और वो यूथ को क्या मैसेज देते हैं कि और वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मैनेज करते हैं। इसी को लेकर आज हम चलते हैं चर्च में और बात करते हैं फादर से। चलिए। आज हम सिविल लाइन सेक्रेट हार्ट चर्च में हैं और यहाँ चर्च के फादर हमारे साथ हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, जैसे इंडिया में कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्रिसमस सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर रखे गए हैं, लोगों को कैसे अवेयर करेंगे और यूथ को कैसे मैसेज देंगे, तो वो आज हम सर से जानते हैं। सबसे पहले आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ। क्रिसमस की तैयारियां जो बाहर रूप से आप देख रहे हैं ये तो है, लेकिन वास्तव में क्रिसमस जो त्यौहार है शांति का, प्रेम का, आनंद का, इसलिए इसकी जो तैयारियां हैं आध्यात्मिक हैं और उसका संबंध ईश्वर की आराधना से, पूजा से है। और हमारा जो पूजा का, प्रार्थना का समय है, आज 10:30 बजे से करीब 1:30 बजे तक रहेगा। उसके लिए हमने जो वर्शिपर्स हैं उनको मैसेज भेज दिया है कि सभी मास्क लगा के आएंगे और सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। और हमारे पास चर्च में काफ़ी जगह है, जिस हिसाब से लोग आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी वे मेंटेन करेंगे। और कल दिन में 9 बजे हमारी वर्शिप होगी। उस वर्शिप में भी सभी श्रद्धालु जो हैं मास्क का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। लेकिन उसके बाद जो लोग देखने के लिए आते हैं उसके लिए ऑफ कोर्स मैं अभी आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो भी चर्च कैंपस में आते हैं देखने के लिए उनका स्वागत है। लेकिन एक तो कि वे मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और ये भी कि ये जगह जो है पवित्र जगह है, प्रार्थना की जगह है। आप लोग क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जब आते हैं तो मोबाइल का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे, सेल्फी आप लोग यूज़ नहीं करेंगे और मोबाइल बंद रखेंगे और मौन रूप से आएंगे, दर्शन करेंगे, जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा अगले दिन का प्रोग्राम है 26 दिसंबर का, दिन में 2 बजे CNI चर्च से यहाँ सेक्रेट हार्ट चर्च तक शोभा यात्रा निकलेगी और उसमें भी इसका सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये जो है प्रार्थनामय वातावरण में होगा, ईश्वर को महिमा देने के लिए ये सब है। और फिर से एक बार आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे यूथ को कि जैसे कि गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं क्रिसमस और न्यू ईयर को लेके, तो सब मास्क लगाकर आएंगे चर्च में और प्रेयर्स के टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, सेल्फीज नहीं लेंगे। तो कल हम फिर इसी वीडियो को आगे लेकर जाएंगे, क्रिसमस सेलिब्रेशन को दिखाएंगे अपने ही चैनल पर। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए।